झारखंड में साल 2024 यानी इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा पक्ष और विपक्ष चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन लोक कल्याणकारी स्कीमों के उद्घाटन शुभारंभ को लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैया योजना उसी कड़ी की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा सकती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कहती है, लेकिन यह चुनावी साल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लिहाजा इस योजना पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। बहरहाल, इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपने आवासीय कार्यालय में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको दुख और दर्द सुनाने वाले में तमाम लोग मौजूद हैं। समाज का हर वर्ग, हर तबका उनके सामने हाजिरी लगा रहा है और अपनी समस्याओं के निष्पादन की गुहार लगा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई, उसके बाद भी लगातार उनसे मिलने वालों का इसी तरह से रेला लगा रहता था। अब चुनावी साल है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस इनिशिएटिव की प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए, लेकिन साथ में ये सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये तन्मयता, ये एग्रेसिवनेस, ये फुर्ती और ये लोक कल्याण की भावना पूरे 5 साल क्यों नजर नहीं आती है। सिर्फ चुनावी साल में अगर इस तरह के कदम नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है सवाल तो जरूर उठेंगे। झारखंड में साल 2024 यानी इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा पक्ष और विपक्ष चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन लोक कल्याणकारी स्कीमों के उद्घाटन शुभारंभ को लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैया योजना उसी कड़ी की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा सकती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कहती है, लेकिन यह चुनावी साल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लिहाजा इस योजना पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। बहरहाल, इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपने आवासीय कार्यालय में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको दुख और दर्द सुनाने वाले में तमाम लोग मौजूद हैं। समाज का हर वर्ग, हर तबका उनके सामने हाजिरी लगा रहा है और अपनी समस्याओं के निष्पादन की गुहार लगा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई, उसके बाद भी लगातार उनसे मिलने वालों का इसी तरह से रेला लगा रहता था। अब चुनावी साल है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस इनिशिएटिव की प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए, लेकिन साथ में ये सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये तन्मयता, ये एग्रेसिवनेस, ये फुर्ती और ये लोक कल्याण की भावना पूरे 5 साल क्यों नजर नहीं आती है। सिर्फ चुनावी साल में अगर इस तरह के कदम नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है सवाल तो जरूर उठेंगे।